एंड एक ही बार में सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, अभी तक बाइक जो एक बार बंद नहीं हुआ है, मतलब आप लोग राइड करके पता चल जाएगा कि बाइक का इंजन पे थोड़ा बहुत काम हुआ है। एकदम ही पावर में ड्रॉप वगैरह मुझे फील नहीं आ रहा है। सो 55 प्लस है, सो चलो ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं कैसा ब्रेकिंग बाइक प्रोवाइड करता है। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेवी मोटर ब्लॉग्स। सो गाइस, आप लोग कैसे हो, कर दो सब लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहना मेरे तरह। सो फाइनली गाइस, इंडियन मार्केट पे हीरो कंपनी की तरफ से और एक नया मॉडल जो है लॉन्च हो चुका है, न्यू हीरो XT 125R। सो ऑलरेडी मैंने गाइस इस बाइक के ऊपर डिटेल्स पे रिव्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज का कंटेंट होने वाला है राइड रिव्यू, मतलब मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, चलो गाइस अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। सो पहले गाइस आप लोग इस बाइक का कुछ सिनेमैटिक शॉट देख लो, देन मैं गाइस आपसे डायरेक्ट मिलूंगा मोटर व्लॉगिंग सेटअप पर। तो चलो गाइस, अभी हम लोग आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, अगर आप लोग न्यू हीरो XT 125R को बाइक करते हो, हैवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पे अगर आप लोग राइड करोगे, तो कैसा क्या आप लोगों को राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, पावर कैसा है, ब्रेकिंग कैसा है, हर एक चीज़ गाइस मैं अभी टेस्ट करने वाला हूँ, देन गाइस आप लोगों को बताऊंगा न्यू हीरो XT 125R का कैसा आप लोगों को परफॉर्मेंस मिलता है। सो फर्स्ट गाइस आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट चेक करवाता हूँ GoPro मोड पर। सो ऐसा कुछ साउंड है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड बेस एंड थम आप लोगों को प्रोवाइड करता है। एंड इधर से अगर लुक आप लोग चेक कर तो बहुत ही ब्रॉड है, मतलब ह्यूज फ्यूल टैंक प्रोवाइड करता है। एंड टैंक के बाहर ना गाइस ऐसा कुछ बॉडी पर निकला हुआ है, जिसके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ह्यूज एंड मस्कुलर फ्यूल टैंक आप लोग प्रोवाइड करते हैं, एग्जॉस्ट नोट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एंड जो स्विच क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। एंड 125cc के अंदर गाइस फास्ट इन सेगमेंट आप लोगों को इस वाले मॉडल पे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प प्रोवाइड करता है, LED DRL के साथ विद LED इंडिकेटर, जो कंपनी फीड आप लोगों को हैज़र्ड भी प्रोवाइड करता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो गाइस फर्स्ट अगर पॉइंट की बात करो सिटिंग पोस्चर, मतलब फुट पोजीशन थोड़ा पीछे की तरफ है, टैंक को मैं गाइस पैर से इजीली ग्रिप कर पा रहा हूँ। एंड जो हैंडल बार का पोजीशन है थोड़ा ब्रॉड है, ऊपर के साइड पे है, सो इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट सिटिंग पोस्चर मिलेगा, मतलब 10% जो है ना आपको सामने की तरफ झुक के बैठना पड़ता है। एंड थोड़ा सा स्पोर्टी फील आप लोगों को करवाएगा इस सिटिंग पोस्चर की वजह से। ऐसा कुछ गाइस आप लोगों को हॉर्न मिलता है जो बहुत ही लाउड है। गियर शिफ्टिंग इस मीडियम सॉफ्ट है, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं, उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। एंड और थोड़ा सॉफ्ट होता तो और भी ज़्यादा बढ़िया होता। क्लच गाइस आप लोगों को बटरी स्मूथ मिलता है। सो ऐसा कुछ साउंड है। सो थोड़ा सा बाइक को पुल करते हैं, यस पावर तो है अच्छा खासा, 55-60 पे अभी मैं राइड कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा बाइक जो ना स्टेबल है, मतलब रोड को अच्छी तरीके से पकड़ के फिर भाग रहा है। क्लच गाइस बटरी स्मूथ है, जिसके लिए अगर आप लोग लॉन्ग टर्म पर भी राइड करोगे ना हेवी ट्रैफिक बड़ी कंडीशन पे, कुछ भी गाइस आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा इस क्लच की वजह से। एंड बाइक जो है ना एकदम वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। अभी मैं 4000 RPM के ऊपर में राइड कर रहा हूँ, 50 के आसपास स्पीड है, उतना ज़्यादा मुझे गाइस वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं आ रहा है टैंक पे, फुट पेक्स पे। एंड थोड़ा डिफरेंट फील आ रहा है मुझे इस बाइक राइड करके, क्योंकि राइड करके एकदम ऐसा नहीं लग रहा है कि एक 125cc का बाइक मैं राइड कर रहा हूँ। एंड जो इसके पहले मतलब 125cc का जो बाइक आप लोगों को देखने को मिलता है ना हीरो कंपनी की तरफ से, वैसा फील नहीं है इस बाइक का। जो इंजन का रिलायबिलिटी है, जो पावर है, जो राइड करने के टाइम पे फील आ रहा है ना, बहुत ही डिफरेंट है। एंड एक ही बार में सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, अभी तक बाइक जो एक बार बंद नहीं हुआ है, मतलब आप लोग राइड करके पता चल जाएगा कि बाइक का इंजन पे थोड़ा बहुत काम हुआ है। एंड अभी देख पा रहे हो मैं हेवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पर आ चुका हूँ। सो गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा, क्योंकि हैंडलिंग गाइस बहुत ही ज़्यादा लाइट है, फ्लिकेबल हैंडलिंग आप लोगों को मिल जाता है। सो इसके वजह से आप लोग ट्रैफिक बड़े कंडीशन पर ईजिली गाइस फिल्टर करके निकल सकते हो। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है डिजिटल है, मतलब नेगेटिव डिस्प्ले है, कॉल अलर्ट मैसेज अलर्ट वो हर एक चीज़ से आप लोग प्रोवाइड कर ही देता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीड, RPM, क्लॉक, देन गाइस रियल टाइम माइलेज भी शो करता है। अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे माइलेज शो कर रहा है 55 का। सो मुझे लगता है 50 प्लस इजीली गाइस आप लोगों को माइलेज जो ये बाइक प्रोवाइड कर देगा। एंड मिरर की अगर बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ मिरर मिलता है, पीछे का व्यू अच्छा खासा आप लोगों को प्रोवाइड करता है।
एंड नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं वो है गाइस सस्पेंशन। सो फ्रंट पे गाइस शोभा ब्रांड है, रियर पे भी गाइस शोभा ब्रांड का ही आप लोगों को सस्पेंशन मिलता है जो बहुत ज़्यादा फैट है। फ्रंट के साइड पे 37mm डायमीटर का 7 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जिसके वजह से मुझे छोटे मोटे गड्ढे पे उतना ज़्यादा जार्ड फील नहीं आ रहा है। मतलब आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब आप लोग गड्ढे से निकल चुके हो, इतना ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को सस्पेंशन इस वाले मॉडल पर प्रोवाइड करता है। एंड फर्स्ट इन सेगमेंट गाइस आप लोगों को 37mm डायमीटर का 7 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है 120cc के अंदर। एंड इस बाइक में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। हैंडल जो है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट। एंड मैं अभी विथ पियन राइड कर रहा हूँ, फिर भी गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा है। मतलब सीट कुशनिंग एंड लेंथ वाइज एंड देख पा रहे हो मैं अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक में हूँ, कुछ भी गाइस दिक्कत नहीं आ रहा है क्योंकि फ्लिकेबल है, लाइट वेट मशीन है, पावर भी है, ब्रेकिंग पर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड रियर पे 120 सेशन की ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए आप लोगों को और भी ज़्यादा रोड ग्रिप मिलेगा। एंड अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह करोगे उस टाइम पर भी गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, मतलब रोड को पकड़ कर फिर चलता है। एंड इधर पे गाइस आप लोगों को लो फ्यूल का वार्निंग भी प्रोवाइड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर। सो इधर पर टेस्ट करने वाले हैं हैंडल रेडियस, मतलब कैसा आप लोगों को हैंडल रेडियस प्रोवाइड करता है न्यू हीरो एक्सट्रीम 125R पे। देखते छोटे से जगह से इजी टर्न होता है या नहीं। यस गाइस, मतलब ह्यूज फ्यूल टैंक है फिर भी गाइस आप लोगों को अच्छा खासा हैंडल रेडियस प्रोवाइड करता है। मतलब छोटे से जगह से आप लोग इजीली टर्न कर सकते हो, कुछ भी गाइस दिक्कत नहीं आएगा। एंड थोड़ा रिस्पॉन्स की अगर बात करूँ एकदम भी गाइस पावर में ड्रॉप लैग वगैरह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पावर डिलीवरी है। सो 55 प्लस है, सो चलो गाइस ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं कैसा ब्रेकिंग बाइट प्रोवाइड करता है। यस गाइस, फ्रंट ब्रेक का बाइट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा हाई RPM पे मतलब हाई स्पीड पे पैनिक ब्रेकिंग करोगे ना उस टाइम पे गाइस फ्रंट ब्रेक का बाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। रियर का ड्रम के हिसाब से गाइस बढ़िया है लेकिन फ्रंट ब्रेक का मुझे बाइट ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि ABS है। एंड आप लोग कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत है ब्रेक को पुल कर दो एंड पैनिक बाइट आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है आप लोगों को अच्छा खासा इस बाइक का ब्रेकिंग से। सो बढ़िया टोटल रिस्पॉन्स है, बाइक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल एंड स्मूथ इंजन आप लोग प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा 5000 RPM के बाद गाइस आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट अलग प्रोवाइड करते हैं, बाइक का नेचर है वो भी गाइस चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ हॉर्न है। स्विच क्वालिटी गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। एंड अभी मैं 4000 RPM फोर्थ गियर पर राइड कर रहा हूँ गाइस। एंड बाइक का थोड़ा रिस्पॉन्स की बात करूँ ना, थोड़ा खोलते ही गाइस आप लोगों को एक अलग पावर प्रोवाइड करते हैं। एंड हैंडलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा गाइस लाइट है एंड रोड को ना बाइक अच्छे तरीके से पकड़ के फिर भाग रहा है, ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड पावर की अगर बात करूँ स्मूथ पावर डिलीवरी, उतना ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, उतना ज़्यादा लैग भी नहीं है एंड एकदम ही पावर में ड्रॉप वगैरह मुझे फील नहीं आ रहा है। अभी 70 के आसपास में राइड कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया पावर डिलीवरी है एंड बाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, एकदम ही गाइस वाइब्रेशन वगैरह मुझे फील नहीं आ रहा है। एंड क्लच छोड़ते ना इस पावर का फील ये देखो, एंड क्लच गाइस बटरी स्मूथ है। यस 5000 RPM के बाद बाइक का साउंड एंड नेचर दोनों ही गाइस बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। इधर से लुक चेक करते हो बहुत ही ह्यूज एंड मस्कुलर लुक है ना, जब आप लोग इस बाइक को राइड करोगे ना अच्छा खासा हेड टर्नर देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एंड इंडियन मार्केट पे एकदम ही न्यू डिज़ाइन के साथ लॉन्च हुआ है हीरो कंपनी की तरफ से। एंड अगर इंजन की बात करूँ ना, हीरो का जो दूसरा मॉडल है मतलब 120cc के अंदर ग्लैमर वगैरह, उसका इंजन आप लोगों को इस वाले मॉडल पे देखने को नहीं मिलता है। मतलब स्पिन DVD टेक्नोलॉजी वगैरह अपडेट हुआ है, कैमशॉट वगैरह चेंज हो चुका है। सो इसके वजह से गाइस आप लोगों को थोड़ा बढ़िया इंजन मिलता है एंड एकदम भी गाइस पावर में ड्रॉप लैग वगैरह नहीं है एंड बहुत ही रिलायबल स्मूथ इंजन आप लोगों को मिलता है न्यू हीरो एक्सट्रीम 125R पे। मतलब अगर आप लोग हैवी ट्रैफिक वाले कंडीशन पर राइड करोगे फिर भी गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। अभी मैं 76 के ऊपर में राइड कर रहा हूँ, 80 के आसपास, 82 बहुत ही ज़्यादा
कॉन्फिडेंस मुझे मिल रहा है क्योंकि रोड को अच्छे तरीके से पकड़ के फिर चलता है बाइक इसके लिए। एंड सीट कुशनिंग भी गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप लोग वही प्लेयर में राइड कर रहे हो फिर भी गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा लेंथ वाइज। तो ओवरऑल गाइस मुझे इस बाइक को राइड करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब जो सारे अपडेट्स इसमें हुआ है ना 120 सीसी के अंदर गाइस इंडियन मार्केट पे ज़रूरत था। एंड टीवीएस रेडर से गाइस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब टीवीएस रेडर पे गाइस आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा डिज़ाइन ऐसा लुक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प गाइस आप लोगों को टीवीएस रेडर पे देखने को नहीं मिलते। सबसे ज़्यादा फैट सस्पेंशन फ्रंट के साइड पे एंड रियर पे शो ब्रांड का मिलता है विथ गाइस आप लोगों को फैट टायर प्रोवाइड करता है 120 सीसी के अंदर। फ्रंट से लेकर लेयर तक जो लाइट सेटअप है ना सब कुछ गाइस आप लोगों को एलईडी प्रोवाइड करता है विथ एलईडी इंडिकेटर वगैरह। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड बहुत ही बढ़िया अपडेट आप लोगों को मिल रहा है एंड बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रहा है हीरो कंपनी की तरफ से इंडियन मार्केट पे। आप लोगों को ऐसा लगा जरूर गाइस कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल गाइस अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो बाय।